Trust me, there is a lot of hard work. There is no shortcut to hard work. I just keep a watch on my sleeping, eating times. I think that is the mantra really, to eat on time and sleep on time. Baki sab ho jata hai. Okay, jaise hi maine trailer dekha, it reminds me of what Shah Rukh Khan and Darling fan. Jaise Shah Rukh ke piche stalk karta hai koi, wo mujhe us trailer ko dekhte hi ehsaas hua ki there is a similarity between your film and fan. वेल ये बहुत ही जेनरिक और ये आइडिया बहुत ही जेनरिक है और ये आइडिया काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि एक स्टॉकर है और एक पब्लिक फिगर है या पर्सनालिटी है जिसको यू नो कोई चेज कर रहा है या उनके साथ स्टॉकिंग जैसा कुछ हो रहा है. पर ये हर बार ये सब्जेक्ट अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है, तो मुझे लगता है भले ही जेनरिक आइडिया सिमिलर हो पर द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी डिफरेंट, द जॉनरा इज़ वेरी डिफरेंट. सो आई वुड से यस, ये जो आइडिया है ये बहुत बार यूज़ कर चुके हैं लोग, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अलग है. ओके, व्हाट वाज योर रिएक्शन द मोमेंट यू नो यू ऑलरेडी वर्क विद नमेश सोते, सो व्हाट वाज योर द डायरेक्टर ज्ञानेश, ज्ञानेश यू हैव वर्क विद हिम बिफोर, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन ही आस्क्ड यू टू बी ऑन बोर्ड फॉर दिस? वेल आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि जब एक डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद इफ़ ही वॉन्ट्स टू कास्ट यू अगेन इन हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एन आर्टिस्ट. और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब ज्ञानेश ने मुझे अप्रोच किया इस वेब सीरीज़ के लिए, क्योंकि राक्षस पे काम करने के बाद हम अच्छे दोस्त बन चुके थे, तो मेरी अनफुलफिल्ड या कुछ ख्वाहिशें नहीं होती है कि मैं एक्शन सीक्वेंस करूं या मुझे ऐसा एक सीन करना है, वो सब ज्ञानेश को पता थी और बहुत ही होशियारी से उसने ये सब इस वेब सीरीज़ में क्लब किया है, जो कि बहुत खुशी की बात है. सही, आप मानते हैं कि एक नया दौर शुरू हो गया जब मैं वेब सीरीज़ की बात करता हूं, और दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम यू डूइंग अ वेब सीरीज फ्रॉम अ ड्रॉप, मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग? नो, दिस इज माय या दिस इज द फर्स्ट वेब सीरीज दैट आई एम डूइंग. डू यू थिंक पोस्ट सीक्रेट गेम्स एक दुनिया अलग बदल गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सब कुछ नेटफ्लिक्स पे इतना सब कुछ आ रहा है, बड़ी स्टार कास्ट आ रही है, मुझे लगता है कमर्शियल मसाला फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज पे खर्चा किया जा रहा है और अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डेफिनेटली ये जो भी प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आई थिंक उनके आने के बाद देयर हैज बीन अ ह्यूज चेंज और बिल्कुल नए जॉब्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है सबके लिए, टेक्नीशियंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए. और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेंड उन्होंने सेट किया है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित है ऐसा मुझे लगता है, और हम भी उसी तरह का या उतना ही सुपीरियर कंटेंट क्रिएट करने के पीछे हैं, जो कि हम कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि ये वेब ऐसा इट्स अ वास्ट प्लेटफॉर्म, जितना आप एक्सप्लोर करो उतना कम है ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट बिकॉज एज दे से डिजिटल इज द फ्यूचर. तो या आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चेंज. ऑफकोर्स ही टोल्ड मी कि आपको आपका ही किरदार निभाना है जो आप हो, तो हमारे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो वो एक बस बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ थी कि खुद का रेफरेंस खुद को ही क्रिएट करके उसको फॉलो करना था. तो कई कई सीन्स में आई एम द वे आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, पर कई कई सीन्स में मुझे बहुत इमेजिनेशन यूज़ करना पड़ा, या ज्ञानेश की हेल्प लेके, या रोहित हैज़ हुज़ डन अ वंडरफुल जॉब विथ मी, he has also contributed to what Saeed Amankar does in the web series. So yeah, it was a very challenging yet very satisfying experience. Sahi kya, jaise aapne kaha ki references lene pade, mujhe apne aap ko nibhana hai to koi badi baat nahi hai, lekin fir bhi ek star dikhna chahiye, wo star ka andaaz nazar aana chahiye. There are so many female actresses who are there in the industry, Katrina to you know Madhuri Dixit or Alia Bhatt or the big shot star in the film, female star, to kisi ek आप पता नहीं मराठी इंडस्ट्री में कितने रह चुके या है, लेकिन मेरा भी ऑरा काफ़ी अच्छा है, लोगों को पसंद है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे
कोई रेफरेंस पॉइंट दूसरी एक्टर का या दूसरे एक्टर का नहीं लेना पड़ा, बिकॉज एक अपनी जब जब टेरिटरी में आप काम करते हो तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होते हैं, और एग्जैक्टली मैंने उसी पे भी काम किया। सही स्टंट और एक्शन भी कर रहे हैं इस फिल्म में, वो कितना चैलेंजिंग था और उसको लेके कितनी तैयार थी आपकी, आपको ये सब भी करना पड़ेगा? ओह, आई लव डूइंग एक्शन सीक्वेंसेस। मेरे अंदर एक टॉम बॉय है जो हमेशा उछलता है कूदता है जब उसको एक्शन के लिए बोला जाता है। तो ज्ञानेश को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मुझे एक्शन बहुत पसंद है, तो उसने बहुत ही चालाकी से कोई कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस इसमें रोप इन करे, और वी ओपन आवर फर्स्ट एपिसोड विथ एन एक्शन सीक्वेंस। अब तक का रिस्पांस कैसा है, सही क्या फीडबैक आ रहा है लोगों से? बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। अब तक सबसे अच्छी मिली हुई कॉम्प्लीमेंट मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा अलग कंटेंट डिजिटल स्पेस में, वो भी मराठी में, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस। सो ऐसे रिएक्शंस आए हैं। मेरा पहला एज इन डेब्यू है वेब का, और व्हेन यू गेट पॉजिटिव रिएक्शंस यू फील रियली नाइस। तो मैं अब फिलहाल तो क्लाउड 9 पे हूँ। ओके, सैराट आप मानते हैं सैराट में कहीं मराठी जगत की, डिजिटल सिनेमा की परिभाषा बदल के रख दी इन टर्म्स ऑफ कमर्शियली, जिस तरह से फिल्म को कामयाबी मिली, इतनी छोटी स्टार कास्ट को लेके या लोगों को उठा के फिल्म बनाई गई और आज वो स्टार है, आप मानती हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट था मराठी इंडस्ट्री में, रीजनल सिनेमा में, मराठी इंडस्ट्री की खैर नहीं बात करूँगा, होल रीजनल सिनेमा इज अ टर्निंग पॉइंट इन द सिनेमा? ऑफकोर्स मराठी इंडस्ट्री हैज़ नेवर बीन अबाउट नंबर्स, बट सैराट प्रूव्ड दैट वी कैन ऑल्सो रेस, यू नो, इफ़ वी वॉन्ट टू इन नंबर्स। मराठी में कंटेंट को हीरो माना जाता है, और आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया बात है जब कंटेंट के अलावा कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ओवरपावर नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली सैराट हैज़ चेंज्ड अ लॉट ऑफ इक्वेशंस। एक बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिला है रीजनल सिनेमा को, एंड आई थिंक, बट वी आर नाउ वेटिंग कि सैराट की बराबरी करने वाला मूवी कब आएगा। ओके, और इसके अलावा क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, कुछ कुछ मराठी प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन में, कुछ कुछ रिलीज के लिए रेडी है। तो फिलहाल तो डेट विद सई, आई एम टोटली फोकस्ड ऑन डेट विद सई, और इसके बाद आई विल गो ऑन फ्लोर फॉर अ मराठी फिल्म शूट इन फेब्रुअरी। बस फिलहाल तो इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, डेट विद सही देखो देखो ये बोल रही हूँ लोगों को, और ये भी कह रही हूँ कि प्लीज़ डाउनलोड Z5। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम डन।